हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिषेक चौधरी, फाउंडर एंड सीईओ सीस्क्रिप्ट स्वीटी वैक्यूम प्राइवेट लिमिटेड। आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। आज फ्रेंड्स, मैं काफी दिन बाद एक अलग तरह का वीडियो लेके आया हूं। ये है सर्विसिंग रिलेटेड वीडियो कि हम अपने क्लाइंट के प्लेस में, क्लाइंट के घर में, क्लाइंट के ऑफिस में उनका टैंक किस तरह से मेंटेन करते हैं, किस तरह से सर्विस करते हैं और सालों साल उनके टैंक में जो हेल्दी फिशेस रहते हैं वो क्यों रहते हैं और कैसे रहते हैं। तो बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि सर्विसिंग वीडियो बनाने के लिए कि हम किस तरह से सर्विस करते हैं, किस तरह से काम करते हैं या सर्विसिंग कैसे किया जाता है। तो यही सब चीज़ आपको दिखाने के लिए मैं ये स्पेशल वीडियो लाया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर्विसिंग में हम बहुत माइन्यूटली, बहुत डेलिकेटेडली सारा काम करते हैं। सर्विसिंग पार्ट में क्या क्या काम इंक्लूडिंग रहता है हमारे सर्विसिंग पार्ट में? अगर कोई क्लाइंट कुछ फिशेस डिलीवरी करना हो, वो फिशेस डिलीवरी रहता है। कंप्लीट जो सम फिल्ट्रेशन है, वो सम फिल्ट्रेशन को साफ करना रहता है। मेन टैंक का जो सैंड है, सैंड को लेवलिंग करना, सैंड को साफ करना कम्प्लीटली, बहुत डेलिकेटेड वे से ग्लास को क्लीन करना, अच्छी तरह से ग्लास में जो एल्गी रहता है, वेब मेकर में जो एल्गी रहता है, ये सारे चीज़ को क्लीन करना। धीरे धीरे सम के अंदर से सारे सम का जो फिल्टर मीडिया हो या पैड हो, स्पॉन्ज हो, उनको साफ करना। इस तरह से ब्रशिंग करके सारे रॉक में जो एल्गी जम जाता है, वो रॉक के एल्गी को हटाना भी हमारा सर्विसिंग का पार्ट है। ग्लास क्लीन करना, रॉक क्लीन करना, सैंड को क्लीन करना, ऑप्टिमम लेवल का वाटर चेंज करना, जितना ज़रूरी है वो वाटर चेंज करना। और मैं खुद ज़्यादातर सर्विस को सुपरवाइज करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, कहीं पर फिजिकली जाके, कहीं पर वीडियो कॉल में रहकर, प्रेजेंट होकर, के ताकि किसी मछली को हार्म ना पहुंचे। सर्विसिंग करते दौरान बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि पंप और वेब मेकर एक साथ दो चीज़ ऑफ ना हो। पानी चेंज करते वक्त बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि पानी जब हम चेंज कर रहे हैं, जब पानी हम रिफिल कर रहे हैं, वो वाटर का पैरामीटर ऑप्टिमम लेवल का हो, सेम डेंसिटी का हो, सेम टेम्परेचर का हो। या जब हम पानी चेंज कर रहे हैं, रिटर्न पंप जब बंद रह रहा है तो वेब मेकर चलना चाहिए उसमें। ये रहा हमारा एक और टैंक। आप देख रहे हैं एल्गी पर गया है या टैंक का पानी भी ठीक नहीं है, तो यहाँ पर भी हम अभी सर्विस करेंगे और सर्विस करते हुए आपको पूरा दिखाएंगे कि किस तरह से हम सर्विस करते हैं। ये वाला टैंक में हम पूरा सम को खाली करके, कंप्लीट सम को क्लीन करके सर्विस कर रहे हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट। यहाँ पर पहले हम चेक कर लेते हैं कि वाटर का एग्जिस्टिंग डेंसिटी क्या है, एग्जिस्टिंग सलाइनिटी क्या है, एग्जिस्टिंग पैरामीटर टेम्परेचर क्या है। फिर हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या फॉल्ट हुआ है, क्या क्या हमें करेक्शन करना है। फिर धीरे धीरे वो सारे चीज़ को ओवरकम करते हुए पहले हम चेक कर लेते हैं अच्छी तरह से, फिर चेक करके, वाटर को चेक करने के बाद, टेस्ट करने के बाद, जो भी यहाँ पर गंदगी जमा हुआ है, जो भी चीज़ यहाँ पर अनहेल्दी चीज़ है, फिर हम धीरे धीरे प्रोटीन स्कीमर को ऑफ करना, सारे मशीनरी को ऑफ करना, सारे मशीनरी को ऑफ करके धीरे धीरे कंप्लीट चीज़ को प्रॉपर वे में सर्विस करना। लाइक एल्गा स्क्रबर का एल्गी निकालना हो, जो वेस्ट एल्गी हो, या रॉक में से जो एल्गी हो, रॉक में जो डेब्रीज हो, वो उसको निकालना रॉक के नीचे, या सम फिल्टर में जो जहाँ पर भी पत्थर में जो डेब्रीज जमा हुआ है, अगर वो डेब्रीज जमा हुआ रहता है, वहीं से नाइट्रेट फॉस्फेट इंक्रीज करता है। तो मरीन एक्वेरियम में प्रॉपर सर्विसिंग एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है।
लोग एक बार मरीन बना तो लेते हैं लेकिन प्रॉपर सर्विसिंग रूटीन मेंटेनेंस नहीं करने की वजह से वो डैमेज हो जाता है। तो सीस्केप्स इज वन स्टॉप सॉल्यूशन जहां पर आपको प्रॉपर सेटअप भी मिलेगा, प्रॉपर हेल्दी फिशेस भी मिलेंगे और 100% प्रॉपर ANC सर्विस मेंटेनेंस सर्विस भी मिलेंगे। हम खुद अच्छी तरह से टैंक का ग्लास को क्लीन करना, इसको ध्यान में रखते हुए कि ग्लास में भी स्क्रैचेस ना आए, फिर सैंड को ठीक से क्लीन करना और सम्प को क्लीन करना और सारे पैरामीटर को इवेंचुअली चेक करना। फिर सॉल्ट को मिक्स करते हुए सॉल्ट को सम्प में धीरे धीरे देना, उसी तरह जो कैलकुलेशन वे में वो पैरामीटर चाहिए ताकि फिशेस को भी कोई डैमेज ना हो, फिशेस को भी कोई हार्म ना हो। क्योंकि हमारे सर्विसिंग में जो मेन चीज़ हमें ध्यान में रखना होता है कि जिस कंडीशन में हम सर्विस करने जा रहे हैं, सर्विस करते दौरान अगर हमारा कोई कैजुअलिटी हो तो फिशेस डैमेज हो सकते हैं। फिर आफ्टर सर्विस अगर हमें कोई फिशेस रिलीज करना है तो आफ्टर सर्विस उन्हें कम्प्लीटली क्वारंटाइन करके, कम्प्लीटली सेट करके, उन्हें सीजन करके, हम धीरे धीरे एक्वाइट करके उन्हें धीरे धीरे टैंक में हम रिफिल करते हैं। अगर किसी क्लाइंट का फिश का ऑर्डर हो तो आफ्टर सर्विस हम पानी का मेजरमेंट करके वो फिशेस डिलीवर करते हैं। अगर फिशेस ऑर्डर नहीं भी हो तो प्रॉपर वे में सर्विसिंग में बहुत सारे चीज़ को दिमाग में रखना होता है। पानी का नाइट्रेट क्या है, फॉस्फेट क्या है, टेम्परेचर क्या है, सलाइनिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, सारा कुछ को मेजरमेंट रखते हुए प्रॉपर वे में रॉक का क्लीनिंग करना, सैंड का क्लीनिंग करना, ग्लास का क्लीनिंग करना, फिल्टर का एक एक चेम्बर का क्लीनिंग करना, ये सारे पार्ट बहुत क्रूशल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सीस्केप्स अपने काम के लिए माहिर है, अपने काम के लिए जाना जाता है कि हम परफेक्शन के साथ अपना काम करते हैं और ऑप्टिमम लेवल में हम वो सक्सेसफुली काम करते हुए अपने क्लाइंट को भी वो सेटिस्फेक्शन देते हैं, क्लाइंट के टैंक को भी वो सेटिस्फेक्शन देते हैं कि क्लाइंट के टैंक में वो सारे मछली उस हेल्दी कंडीशन में, गुड कंडीशन में रहे हमारे मेंटेनेंस रूटीन, सर्विसिंग रूटीन मेंटेनेंस के दौरान। यूजली ये हमारा सर्विसिंग, ये मेंटेनेंस मंथली वाइज होता है, कभी मंथली ट्वाइस होता है, कभी मंथली वंस होता है, कभी मंथली थ्राइस होता है। ये डिपेंड करता है टैंक के ऊपर कि हम मंथली एक बार करें या मंथली दो बार करें। तो इसी मेंटेनेंस के ऊपर, एक बार मरीन टैंक बन गया उसके बाद इसी सर्विसिंग, इसी मेंटेनेंस के ऊपर ही ये मरीन टैंक का लाइफ लॉन्ग रहता है। ये रहा हमारा दूसरा टैंक का फिनिशिंग टचअप, जहाँ पर हम क्लाइंट के घर पे कंप्लीट टैंक को सर्विस करते हुए टैंक के एरिया को भी पूरा साफ करना हमारा पार्ट रहता है। ये गंदा टैंक को किस तरह से हमने सम्प का सारा पार्ट खाली किया, आप देख सकते हो किस तरह से टैंक का सारा पार्ट निकाला, सम्प का निकाल के कम्प्लीटली उन्हें वॉश करते हुए हम उसे रीसेट कर रहे हैं। ये रीसेट करते हुए तो वन बाई वन, कभी ऊपर का टैंक सर्विस करना होता है, कभी सम सर्विस करना होता है, ये हम पानी का पैरामीटर को देखने के बाद ही समझ सकते हैं कि कब हम सम सर्विस करें, कब हम ऊपर का टैंक सर्विस करें, कब दोनों सर्विस करें। तो ये हमारा एक्सपर्टाइजेशन है, यही हमारा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, कि इसका कोई थंब रूल तो है नहीं, ये कम्प्लीटली
एक्सपीरियंस और वाटर टेस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम बहुत लोग कहते हैं कि फिल्टर मीडिया धोना नहीं चाहिए, वो धोना चाहिए जब ज़रूरी पड़े और जब ज़रूरी ना हो तब नहीं धोना चाहिए। तो हम फिल्टर मीडिया को भी सॉल्ट वाटर से, जो पानी हम टैंक से निकालते हैं उसी पानी से धो लेते हैं, जो भी हमारा जो फिल्टरेशन का जो भी सामान है प्रॉपरली वॉश करते हुए प्रॉपरली रिफिल करते हुए हम माइन्यूटली वन बाई वन प्रोटीन स्कीमर से लेकर हर वो मशीनरी को चेक करना हमारा काम है। पानी का हर पैरामीटर, नाइट्रेट हो, फॉस्फेट हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, जितने भी मरीन के रिक्वायर्ड पैरामीटर है उन्हें चेक करना हमारा काम है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आपके घर में आपका जो मरीन एक्वेरियम रहे वो सही रहे, आपके सारा फिशेस हेल्दी रहे और एक्टिव रहे। मैं ये ही कहूँगा कि इस तरह से प्रॉपर टैंक का सर्विस, प्रॉपर टैंक का मेंटेनेंस के द्वारा ही आज हम इतने सक्सेसफुली ऑल अराउंड द वेस्ट बंगाल काम कर रहे हैं। पूरे वेस्ट बंगाल में हमारा सर्विस रहता है, नीट एंड क्लीननेस हमारा प्राइम प्रायोरिटी है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन हमारा प्राइम प्रायोरिटी है। जितना पानी ज़रूरत है बदलना, चाहे 100 लीटर बदलना हो चाहे 200 लीटर बदलना हो, पानी के कंडीशन वाइज हम वो पानी बदलते हैं। वेब मेकर जाम हो जाए तो उसको साफ करते हैं, ग्लास को क्लीन करते हैं, लाइट को चेक करते हैं, हर वो चीज़, हर वो छोटा छोटा चीज़ को चेक किया जाता है, हर वो छोटा छोटा चीज़ के ऊपर काम किया जाता है। और यही है हमारा सक्सेस का राज, यही है हमारा सक्सेस का थ्योरी कि आज हर वो छोटा छोटा चीज़ को ध्यान रखते हुए बहुत दिल के साथ, बहुत दिल से दर्द के साथ हम ये काम करते हैं, बहुत प्रोफेशनली काम करते हैं कि सैंड को किस तरह से साफ किया जाए, रॉक को किस तरह से साफ किया जाए, ये सब करते हुए हम आज सक्सेसफुली अपने क्लाइंट के यहाँ सारे टैंक को मेंटेन कर रहे हैं ऑल अराउंड द वेस्ट बंगाल। जो भी लोग सोच रहे हैं कि हम मरीन बनाएंगे लेकिन सर्विस कौन करेगा, कैसे सर्विस करेंगे, आप बेफिक्र हो जाइए, बेफिक्र होकर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, फिर आप देखिए आपका टैंक किस तरह से रहता है।